गाइस तो बात कर लेते हैं आज के दिन की समरी की। और मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी पहले, बट उसमें ऑडियो का एरर आ गया। मैं समरी दे रहा हूँ आपको। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, और हमारी जो रेंज थी वो बिल्कुल बढ़िया थी। 1300 से 1900 से 700 के आसपास होता था कहीं, क्योंकि प्रीवियस डे जो हाई था वो 650 के आसपास। ठीक है, बट क्या हुआ ना, हम हल्का सा गैप डाउन खोले चले गए, उसका पूरे दिन फ्लैट रहा है। अब ऐसे सिनेरियो में अगर मैं आपको ऐसे चार्ट दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि ये जनरली दिन तो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि एज अ नॉन डायरेक्शनल आपको तो यही चाहिए ना कि मार्केट साइडवेज फंसी रहे। लेकिन क्योंकि ये फिन निफ्टी है, क्योंकि सारी दुनिया सेम ही ट्रेड्स लेके बैठती है, तो अब क्या हो रहा है ना मार्केट में, मतलब लगभग एक महीना हो गया ये होते हुए। अगर मैं आपको ले चलूँ, पहले कॉल दिखा देता हूँ, 19 क्या जाते हैं सबसे पहले कॉल्स देखो। चलो कॉल्स में इतना नहीं आया, वो 3 से 6 गई थी। ठीक, जो सबसे बड़ी बीमारी थी आज की हमारी वो थी पुट। ठीक है, पुट का चार्ट है ये रहा। देखो भाई, पहली स्पाइक आई, चलो कोई नहीं, ये तो ओपनिंग की स्पाइक होती है, ये अंडरस्टैंडेबल है। तो क्रैश करके गई 6 बार, 6 से गई 16, 16 के बाद वापस से बैक टू सेम लेवल 7 के आसपास। फिर थोड़ी देर वहीं कहीं घूमी और फिर सीधा 27। फिर जो नेक्स्ट लो बनाया ना, बीच पर लो बनाया 3 का 4 का 4 से 20, 2.5 रुपए 2.5 रुपए से 20 रुपए। तो ये इकलौती पुट ऐसी थी जिसने पूरा दिन ऑलमोस्ट फंसा के रखा मुझे। अब हम कैसे बच गए आज के दिन, क्योंकि तो आज के दिन पैसे बनाना बहुत ही मुश्किल था। या तो आप स्कैल्प करते, या तो आप परफेक्ट एग्जिट ले लेते, या आप ट्रेल करते। क्या तो आज के दिन मैं कैसे बचा, मैंने क्या करा, जैसे जैसे ये स्पाइक दे रही थी ना, एटलीस्ट एंड में आते हुए लगभग 2-2.5 बजे के आसपास मैं अपनी पोजीशन को कम करता गया। मैं आज अग्रेसिव नहीं गया, मैं आज ऑपोजिट चला गया, डिफेंसिव। डिफेंसिव जाने के दो रीज़न थे। एक तो मुझे लग रहा था कि अगर हम नीचे टूटे तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि तो हम नहीं रुके 400 तक। बट क्या होता है, आप फिन निफ्टी में प्रीमियम नहीं होता ऊपर की कॉल बेचने का, तो आप कॉल बेच दो और रिवर्सल आ गया तो भी आप गए। ठीक है ना, तो ये नहीं है कि मेरे को पता है वो टूटेगी तो मैं ऊपर की कॉल बेच सकूँ, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। तो सिंपली मैं एग्जिट अपनी पोजिशन को कम करता गया, और कम करते करते इन दी एंड हमने 450 तक की स्ट्रैडल बनाई थी एक बार को, देखो आप। ठीक है, बट देखो 450 की पुट नहीं मरवाया, बट कुछ नहीं कर सके। एंड में क्लोज करा 4,000 के प्रॉफिट पे, जो कि मेरे हिसाब से बेकार ही है, मतलब नेक्स्ट टू नथिंग है। बट क्या होता है ना, 4,000 का लॉस हो या 4,000 का प्रॉफिट हो, उससे कैपिटल को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मगर आपकी साइकोलॉजी पे पूरा फ़र्क पड़ना। अगर यही लॉस 4,000 रुपये का होता ना, तो मैं जब कल ट्रेडिंग करने बैठूंगा अपने डेस्क पे, तो मेरे मन में ये तो होगा मन में कहीं ना कहीं, कल मुझे लॉस हुआ था, भले वो 1,000 का हो, 2,000 का हो, 40,000 का हो या 20,000। फिगर छोटी होने से मन में कम रहता है, बट मन में रहता हमेशा है, क्योंकि तो हम इंसान है, हमारा दिमाग सेम ही तरीके से काम करता है। जो भी आपके साथ होता ना, वो मन में आपके पीछे बैठ जाता है हल्का सा। अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो मेरे दिमाग को पता है वो 4,000 का प्रॉफिट है, लेकिन वो इतना सोचेगा नहीं ट्रेड करते, उसको पता है कल यार प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने 4,000 रुपये लॉक कर लिया, 3:15 के आसपास का बचा भी नहीं था टाइम, और मैंने कहा चलो कल आएंगे। बाकी कल भी प्रॉफिट था मंडे को 7-8 हज़ार रुपये का, बट कल मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, कल कुछ था नहीं, मैं जल्दी फ्री हो गया था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस यही बता रहा हूँ कि अपनी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बड़े प्रॉफिट्स की जगह। बड़े प्रॉफिट्स के दिन आएंगे, अभी आप मार्केट देख रहे हो ना कितनी बेकार चल रही है। एक टाइम होता था कि अगर मैं 1% एक्सपायरी पे कमाऊँ ना, तो मैं उसको बेकार एक्सपायरी बोलता था, कि एक्सपायरी पे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती ना। और जब आपकी OTM कॉल्स एंड पुट्स इतनी ज़्यादा स्पाइक होंगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बस बैठ के सुख शांति से वेट करना है अच्छे टाइम का, और छोटे छोटे ट्रेड्स लो, बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।